अर्धनग्न होकर अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनेक बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई भी सुनवाई न होने के चलते पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के निर्देशन में हल्ला बोलते हुए सभी जिले के साथ नरसिंहपुर जिले के चावरपाठा के कर्मचारियों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। जहां एक सप्ताह से धरने पर बैठने के बाद भी मांगे पूरी न होने के चलते जनपद पंचायत परिसर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी भी की। वहीं इन दिनों हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। 17 संगठनों से संबंधित कार्यालयों में कुछ अधिकारियों को छोड़कर कार्यालय सुनसान पड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 17 संगठनों के अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा महत्वपूर्ण मांगों के निराकरण हेतु विगत 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिससे अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इन कर्मचारियों का कहना कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कोई प्रश्न करो। आप जो हड़ताल पे बैठे हो, क्या मांग है आप? हमारी प्रमुख मांग ये है कि हम लंबे समय से शासन की सेवाएं कर रहे हैं, न हमको पेंशन है, न ऐसी कोई सुविधाएं हैं। अनुकंपा नियुक्ति जैसी चीजें अटका कर रखी हैं सरकार ने, जिससे बड़ी समस्याएं जा रही हैं। इसलिए संयुक्त मोर्चा, मनरेगा या अन्य विभाग 18 संगठन हमारे साथ काम कर रहे हैं। और कछु लोग तो ये भ्रांतियां फैलाते हैं बीच में कि नहीं नहीं वो तो हड़ताल समाप्त हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा संगठन पूरी मजबूती से अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और हम ये कहना चाहते हैं कि कभी ना कहो कि अपने दिन खराब हैं, कभी ना कहो कि अपने दिन खराब हैं। समझ लो कि हम कांटों से घिरे गुलाब हैं। हौसला रखो, वो मंजर भी आएगा कि हम प्यासों के पास चलकर समंदर भी आएगा। जय हिंद। आप जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं? जी, हम लोग 22 जुलाई 2021 से पूरे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 से 18 संगठन पूरे एक रूप से हड़ताल कर रहे हैं। इसमें सभी विभागों की, मतलब जितने भी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे ग्राम रोजगार सहायक हो, चाहे APO हो, EO हो, नरेगा का स्टाफ हो, उप यंत्री हो, सहायक यंत्री हो, सभी की अलग अलग मांगे हैं, जिनको हम लोग कई समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको हमारी पूरी की जाए। हम लोग को जो भी महंगाई भत्ता बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगते हैं, वो हम लोग कुछ नहीं लगता है। संविदा कर्मचारियों को पिछले 15-20 साल हो गए हैं, जिनको आज दिनांक तक रेगुलर नहीं किया गया है, वो डिमांड है। पंचायत सचिवों की डिमांड है कि उनको विभाग में संविलियन किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन की मांग है कि उनको भी परमानेंट किया जाए, प्रधानमंत्री आवास को परमानेंट किया जाए, एवं जितने भी संविदा कर्मचारी हैं और परमानेंट कर्मचारी हैं, उनकी जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। इसमें हम लोगों ने 22 तारीख से चरणबद्ध आंदोलन किए हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने जनपद CO, फिर जिला CO, फिर कलेक्टर साहब, सबको ज्ञापन दिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने विधायक जी को, सांसद जी को एवं विभिन्न विभागों के मंत्रियों को, सभी को ज्ञापन दिए और उनसे अपनी मांगे पूरी करने के लिए निवेदन किया। अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, ये हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। जैसे आपकी हड़ताल नहीं मानी जाती तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे मोर्चा जो भी, मतलब हम लोग का संयुक्त मंच है, वो जो भी आगे डिसीजन लेगा, हम लोग उसके अनुरूप कार्य करेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।